आवाज आ रही है? हेलो, यस आ रही है। पता नहीं बेटा, आज नेटवर्क बहुत इशू है और मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ। पापा जी, है ना, मेरी क्लास शुरू हो गई है। हेलो अरे, करिए। शुरू हो गई ना, देख अगर इस बार हमारी क्लास फिर से डिसकनेक्ट हो जाती है तो इस बार मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है बेटा, लास्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। ओके मैम। मैम फर्स्ट टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, आप एकदम से म्यूट हो गई और सुनाई हाँ, नहीं दिया। कोई बात नहीं। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और फिर मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, और जो बच्चे बाद में ज्वाइन हो रहे हैं या धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ठीक है, उन तक पहुंचा दूंगी ताकि वो उसको रिकॉर्डिंग जो है पूरी सुन लेंगे, ठीक है? तो क्लास समझ आ जाएगी, ओके मैम, ओके मैम। नहीं तो खुद ही ये फिर ना क्लास का टाइमिंग ओवर हो जाएगा। सभी को म्यूट कर रही हूँ मैं, क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? अगर दोबारा नेटवर्क इश्यू होता है तो कोई एक बच्चा माना आप मेरे पास कॉल करके मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, उसी टाइमिंग। ओके मैम। चलिए सभी को सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ चौथा शुरू करेंगे जिसका नाम है क्रिया, ठीक है बेटा? क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को करना या होना वो हमारी क्रिया कहलाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, जैसे खाना बनाना, ठीक है, सोना, उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्वयं होते हैं, जैसे बारिश का होना। ये कुछ काम है जो स्वयं होते हैं, वे हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसा तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं। इसमें कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। अब क्रिया में एक होता है बेटा आपका कर्ता, कर्ता होता है काम को करने वाला, और दूसरा होता है आपका कर्म, और तीसरी होती है आपकी क्रिया। कर्म क्या होता है? जो काम मतलब कर्ता जो काम करता है, मतलब कर्ता अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, ठीक है? जब आपको मिले कि अगर मैम पढ़ा रही है लेकिन आप उत्तर देते हो मैम हिंदी पढ़ा रही है, ठीक है, तो जब आपको उत्तर मिलता है तो वो हमारा कर्म होता है कि हिंदी हिंदी पढ़ाना आपका कर्म है, ठीक है? तो कर्म क्या है? जब कर्ता कोई काम करता है वे हमारा कर्म होता है, और जो काम करता है वे हमारा कर्ता कहलाता है। दो चीज अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है? तो क्रिया क्या है? कर्ता द्वारा जब कोई काम किया जाता है या कुछ ऐसे काम जो स्वयं होते हैं वे हमारी क्रिया कहलाती है। अब थोड़ी पिक्चर मैं शेयर करूंगी और उसके अनुसार आपको पढ़ाऊंगी। परिभाषित रूप से आप देख लीजिए, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, ठीक है, कूदना, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। क्रिया की पहचान होती है पीछे बेटा धातु। ये हमारा चल क्या है? हमारी धातु है, पढ़ हमारी धातु है। इसके पीछे जब ना लग जाता है, ना प्रत्यय लगता है, तब हमारी क्रिया बन जाती है। ये हमारी सामान्य क्रिया है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल मतलब जो क्रिया है वो किससे बना है? वो धातु से बना है, जिसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़, चल, हस इत्यादि से ये सब मूल धातु है। इसमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे मूल धातु हम देखेंगे पढ़, चल, हस,
और सामान्य रूप कैसे बनेगा, पढ़ना, चलना, हंसना, इसमें ना 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 क्या है, ये हमारा प्रत्यय है, और प्रत्यय लगने से क्रिया का सामान्य रूप बन गया। उसी प्रकार से प्रथम प्रेरणार्थक, मतलब जब पढ़ना है तो पढ़ना से क्या बन गया, पढ़ाना, चलना से बन गया चलाना, हंसना से बन गया हंसाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है पढ़वाना। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ऐसे काम करो, तो वो क्या है हमारा, पढ़वाना, चलवाना, हंसवाना। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये हमारी धातु है, धातु में हमने प्रत्यय जोड़ा, हमारा पढ़ना बन गया। जब हम ये पढ़ना जो है हम स्वयं करते हैं, चलना स्वयं करते हैं, हंसना स्वयं करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो पढ़ाना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि किताब पढ़ो तो पढ़वाना, वो मैं पढ़वा रही हूँ, वो जो दूसरे व्यक्ति से कराया जाए, ये स्वयं करते हैं, ये किसी और व्यक्ति से, और ये दूसरे व्यक्ति से जब कराया जाता है तो इसे हम कहते हैं पढ़वाना। अब पढ़ क्या है, ये हमारे नाम है, ये हमारे नाम है, पढ़, चल, हंस, ये नाम है। ठीक है, जब इसमें हम कोई शब्दों को पीछे प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे एक नया शब्द बन जाता है, पढ़ से पढ़ना, फिर पढ़ाना और पढ़वाना। तो ये हमारे शब्दों में कुछ बदलाव है। क्यों बदलाव है, क्योंकि मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको शब्दों के प्रकार बताए थे, जिसमें मैंने आपको विकारी शब्द बताए थे, तो क्रिया भी एक विकारी शब्द है, जिसमें रूप परिवर्तन होते होते कुछ ना कुछ एक नए शब्द बनते रहते हैं, जैसे पढ़ से पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाना, और पढ़ाना से पढ़वाना। अब क्रिया के हम प्रकार जान लेते हैं बेटा। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर 6 प्रकार होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और आपूर्ण क्रिया। ठीक है बेटा, कर्म मैंने आपको बताया, कर्ता जब कोई काम करता है, ठीक है, कर्ता जब कोई काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता एक तो खुद काम करता है और किसी चीज को लेकर काम करता है, किसी वस्तु को लेकर काम करता है, तो वो हमारा कर्म कहलाता है। कर्म के बारे में आगे पढ़ लेंगे हम सकर्मक क्रिया में और अच्छे से। हाँ जी, एक सेकेंड। सकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव, पहले हम समझ लेते हैं सकर्मक का अर्थ ही क्या है। सा मतलब साथ में, कर्म, कर्म का मतलब कर्म के साथ में जब कोई क्रिया होती है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े, मतलब जब कर्ता जो काम को करने वाला है उसका काम का जो प्रभाव है किसी अन्य पर पड़े या कर्म पर पड़े, तो उसे हम कर्ता द्वारा किया गया काम सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ मैं देख लेते हैं, अगर मैं बोलूं मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो, वीडियो क्या है, हमारा कर्म है, बनाना हमारी क्रिया है, मैं हमारा क्या है, यहाँ पे मैं हमारा सर्वनाम है, संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा को चेंज करके अगर राम वीडियो बना रहा है, राम बोलते तो संज्ञा बन जाता, मैं बोल रही हूँ तो ये सर्वनाम बन गया है। तो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मतलब मैं स्वयं वीडियो बना रहा हूं, क्या हमारी सकर्मक क्रिया, और वीडियो बनाना हमारा कर्म है, बनाना हमारी क्रिया है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ये कहूं मैं बना रहा हूं, तो मैं बना रहा हूं पर क्या बना रहा हूं, तो वीडियो बना रहा हूं। इसमें क्वेश्चन आ रहा है ना, जहां आपको क्वेश्चन का उत्तर मिले, जहां आप प्रश्न करते हैं और वहां आपको उत्तर मिले, तो वे आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, जैसे कि नाम से ही पता है, एक कर्मक मतलब एक कर्म वाली क्रिया, द्विकर्मक मतलब दो कर्म वाली क्रिया। जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने हिंदी पढ़ाया, हिंदी कर्म एक ही है इसमें, पढ़ाया क्रिया है, और मैंने मीन्स आपका सर्वनाम। तो हिंदी क्या है, अगर मैं यहाँ लिख दूं मैंने हिंदी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाया, तो हिंदी सामाजिक अलग अलग विषय है, तो ये बहुत सारी क्रिया हमारा कर्म हो गया। लेकिन मैंने क्या लिखा, मैंने हिंदी पढ़ाया, मतलब एक ही कर्म किया है, तो एक कर्म वाला मतलब एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे मैं लैपटॉप से वीडियो, लैपटॉप और वीडियो, इसमें क्या दो कर्म आ गए, एक तो लैपटॉप आ गया और एक वीडियो आ गया, बनाता हूँ। तो अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन करें कि मैं क्या बनाता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, लैपटॉप से वीडियो। तो जहां प्रश्न करके उत्तर मिले ये हमारा क्या होता है, ये हमारी सकर्मक क्रिया भी होती है। और जहां पे दो कर्म हो, जैसे लैपटॉप और वीडियो, अगर मैं यहाँ वाक्य को चेंज कर दूं, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, तब भी हमारी द्विकर्मक हो जाएगी क्रिया, द्विकर्म, एक तो मोबाइल हो गया और एक वीडियो, ये हमारे दो कर्म हो गए। अब हम बात करेंगे
अपनी अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी कर्ता के काम का, अभी हमने पहले क्या पढ़ा, सकर्मक, जिसमें साथ में कर्म होता है। आ मीन्स यहाँ पे आ का मतलब होता है बिना कर्म के, आ मतलब बिना कर्म, मतलब कर्म के, जिसमें बिना कर्म के काम किया जाता हो उसे हम कौन से कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म आपका नहीं होता, कर्म नहीं है तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी इस क्रिया में नहीं मिलता। आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं, जहां आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा हो वो आपकी सकर्मक क्रिया है, और जहां आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा तो वे अकर्मक क्रिया है। जैसे हम चल रहे हैं तो हम क्या है, करता है चलना, वो जो स्वयं ही चल रहा है, कोई कर्म तो कर नहीं रहा इसमें, तो अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता। ठीक है बेटा, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। हमने रचना के आधार पर क्रिया के भेद जाने थे। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया हमने इसे पहले भी आगे देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था धातु से ना जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो हमारी सामान्य क्रिया बन जाती है। ऐसे ही मैंने आज क्रिया पढ़ाया, तो मैंने आज क्या करा, सिर्फ क्रिया पढ़ाया, तो पढ़ाना हमारा एक ही क्रिया है तो इसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है बेटा, जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करें तो वह संयुक्त क्रिया होती है। मतलब जब एक ही से अधिक क्रियाएं एक ही वाक्य को, एक ही काम को पूरा करें तो वे क्या है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ पढ़ेंगे, सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्या था, मैंने आज क्रिया पढ़ाया, सिर्फ पढ़ाया, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं वाक्य थोड़ा बदल रहा है। पढ़ मतलब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया, रहे हैं हमारी रंजक क्रिया है, मतलब सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो क्रियाएं रहे हैं, ठीक है, रहना भी एक क्रिया ही है, तो रहे हैं एक रंजक क्रिया है, ठीक है। तो सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, संयुक्त क्रिया। अब हम पढ़ेंगे हमारी नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब किसी नाम से क्रिया बन रही हो, जैसे अगर मैं बात करूं, हाथ से हथियाना बन जाता है, बात से बतियाना, स्वीकार से स्वीकारना, लालच से ललचाना, बात से बतियाना, ये सब क्या है, ये शब्द नाम है, नाम से आप क्रिया बना रहे हो, है ना, क्योंकि पीछे ना लगेगा तभी तो क्रिया बनेगी। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जबरदस्ती वीडियो में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो निकल से क्या बनाए, निकालना, है ना, निकाल से निकालना हमारी नाम धातु क्रिया बनी है, ठीक है बेटा। अब प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब प्रेरणा देना, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देना, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कार्य करवाए तो वो हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। मतलब वो कार्य स्वयं नहीं करता, दूसरों को प्रेरणा देता है और करवाता है। मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाता हूं, या मैं अपने बच्चों से भी पुस्तक पढ़वाती हूँ, ये क्या है, जब मैं दूसरों से कार्य करवाती हूँ, ठीक है, प्रेरणा देके, तो वे हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा। अब आगे लास्ट के जो हमारे दो बिंदु बचे हैं उसे और पढ़ लेते हैं। अब है पूर्वकालिक, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले जब क्रिया वाक्य में आती है, मूल क्रिया से पहले जब क्रिया आती है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया यहाँ पढ़ेंगे आप उदाहरण के द्वारा, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। यहाँ पे सोना क्या है, हमारी क्रिया, और बनाना भी क्रिया है, तो सोना हमारी मुख्य क्रिया है, उससे पहले बनाना ही हमारी क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जिसमें मुख्य क्रिया से पहले जब कोई क्रिया आती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया, मतलब जो पूर्ण नहीं होती, जिसमें कुछ ना कुछ अधूरा, या तो कर्म अधूरा है या क्रिया अधूरी है, जब कुछ चीज अधूरी, अपूर्ण मतलब जब वो पूर्ण नहीं होती, तो ऐसी क्रियाएं जिनमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता वे अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसमें आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहा कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है, तो जब आपको लगे कि वाक्य अच्छे से अपने आप को स्पष्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वे क्या है, हमारी अपूर्ण क्रियाएं, ठीक है बेटा। आपको मैंने कर्म के आधार पर क्रिया बता दी, रचना के आधार पर क्रिया बता दी। अब हम एक महत्वपूर्ण चीजों को और जान लेते हैं, उसके बाद हमारा जो ये
पाठ है वे समाप्त हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्रिया का रूप जो है, क्रिया का रूप मतलब मैंने आपको बताया था धातु से हमारी क्रिया बनती है। जब धातु जो है उसमें किसी ना किसी कारण बदलाव आता रहता है, चाहे वे लिंग के कारण हो, वचन के कारण हो या काल के कारण, ठीक है। तो क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन, जिस काल में कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके अनुसार बदल जाता है, बदलता है, वो बदलता रहता है। मतलब क्रिया लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर बदलती रहती है। अब लिंग के आधार पर कैसे, राम क्या है, पुल्लिंग है, अगर राम खा रही है बोलूंगी तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, राम खा रहा है क्योंकि ये पुल्लिंग है, एक लड़का है खा रहा है, सीता खा रही है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, वचन मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मतलब एक वचन, हम लोग कुछ कह रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूँ और हम लोग कुछ कह रहे हैं, हम लोग में मतलब बहुवचन, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, मैं में एक वचन है, सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। वही काल आपको पता है, वह गा रहा था मतलब भूतकाल, वह गा रहा है मतलब वर्तमान काल, और वह गाएगा मतलब भविष्य काल। तो क्रिया में भी लिंग, वचन, काल के अनुसार कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी शब्द। मैंने आपको बताया था विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो वचन के आधार पर हो या वो काल के आधार पर हो। तो क्रिया भी हमारी एक विकारी ही शब्द है, ठीक है। अभी यही हमारा पाठ जो है समाप्त होता है। अगर बच्चों आपको अभी भी कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे अब पूछ सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी पूछिए बेटा। कर्म क्रिया क्या होती है, कौन सी पूर्ण क्रिया क्या होती है, सकर्म क्रिया, एक एक करके बेटा, सकर्मक क्रिया। हाँ देखो शॉर्ट में मैं फिर सारा समझा देती हूँ, सारा सुन लेना, मुझे पता है कुछ ना कुछ आपके डाउट होंगे, सारा सुन लो। क्रिया मतलब काम का करना या खुद काम जो दुनिया में खुद भी हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे मैंने आपको बताया क्रिया जब हम कोई काम को करते हैं या कुछ काम स्वयं हो जाते हैं, ये हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है बेटा। अब क्रिया मैंने आपको बताया दो प्रकार से होती है, एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सा मतलब साथ में, जो कर्म के साथ होती है, सकर्म मतलब जो क्रिया कर्म के साथ होती है वे सकर्मक क्रिया है, और अकर्मक मतलब आ मतलब बिना, जो कर्म के साथ नहीं होती, बिना कर्म के होती है वे हमारी अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिसमें कोई वस्तु, सकर्मक मतलब अगर कोई कर्ता कोई काम कर रहा है, किसी वस्तु को लेके काम कर रहा है, जैसे राम बाजार सब्जी लेने जा रहा है, तो सब्जी क्या है हमारी, इसमें कर्म है, जहाँ कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ कर्म नहीं होता वे हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्म वाली और द्विकर्म वाली, जिसे हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं। फिर हमने बात करी अकर्मक, मैंने आपको समझा दिया जो बिना कर्म के होती है, ठीक है बेटा। रचना के आधार पर मैंने आपको छह प्रकार की क्रियाएं बताई थी, सामान्य क्रिया, ठीक है, और कौन सी थी, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है, और आपको मैंने पढ़ाई थी अपूर्ण क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, इसके बारे में बताया था। अब और बताइए, एक सेकंड में अनम्यूट करती हूँ, और बताइए और किस में डाउट। नाम धातु क्रिया बता दीजिए, कौन सी, नाम धातु, धातु नाम मतलब बेटा जब हम नाम से, 10 मिनट बचे हमारी क्लास में, ठीक है बेटा, जब हम कोई नाम है जैसे हाथ है, हाथ से हथियाना, जब ना लग जाते हैं हथियाना, तो हमारी वो कौन सी, नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे बात एक क्या है हमारी, बात शब्द है, बात से बतियाना, बतियाना क्या है हमारी, हमारी नाम धातु क्रिया है। लालच, लालच एक शब्द है, संज्ञा है, इससे जब हम लालच से हम क्या करते हैं, ललचाना, तो वो हमारी क्या बन जाती है, हमारी नाम धातु क्रिया बन जाती है। निकलवाना, ये सब हमारी नाम धातु क्रिया है। और पूछिए बेटा, शोर बंद करिए, और पूछिए, पूर्ण क्रिया कौन सी, अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया, हाँ जी बेटा, जो क्रिया किसी कर्म के कारण या किसी चीज के कारण अपूर्ण रहती है, जो अपना सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती, वे हमारी अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है,
ठीक है, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, तो ये पूरे अच्छे से अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो जो अपूर्ण, जो अधूरी रह जाती है, चाहे वे कर्म के कारण हो या किसी शब्द के कारण हो, जो अपूर्ण रह जाती है, बीमारी अपूर्ण क्रिया कहलाती। और पूछिए बेटा, पूछिए बेटा, और किसी को डाउट है कुछ बच्चों? आपको कुछ डाउट है? हाँ जी बोलिए बच्चों। हाँ जी, कहीं डाउट है आपको? जैसे आप एक प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं। प्रेरणा देके, मतलब जैसे मैं प्रेरणा देके आपको किताब पढ़वाना, मैं आपको प्रेरणा दूंगी, मोटिवेट करूंगी कि बेटा आप हिंदी की किताब पढ़ो, पढ़वाना। पढ़वाना क्या है? प्रेरणा देके काम करवाना भी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। बुलवाना, पढ़वाना, ठीक है, जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है तो करवाना, ये सब क्या है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए मैं फिर मीटिंग ओवर कर रही हूँ। किसी को पूछना है बेटा? नो। हाँ जी पूछिए, बोलिए बेटा, कौन पूछ रहा है?